उत्तराखंड जाना जाता है अपनी संस्कृतियों के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, अपने आस्थाओं के लिए। तो ऐसी हम आज एक पूजा अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। पूरे गांव, हमारा जितना भी बड़ा गांव है, तो उस पूरे गांव में आज भोज है। अब भोज का मतलब होता है कि जो परिवार है, भोज नहीं, मवार बोलते हैं, सॉरी, मवार का मतलब होता है कि जो गांव, हर एक परिवार से हर एक आदमी जाता है। तो किसी की पूजा है भैरवनाथ मंदिर में। और आप उत्तराखंड के किसी भी गाँव में जाओगे ना, तो आपको भैरवनाथ का मंदिर दिखेगा। तो भैरवनाथ का मंदिर बेसिकली शिव जी का मंदिर है। तो फिर आज उसी में एक पूजा है, तो हमें भी इनवाइट किया गया था, तो हम भी चल रहे हैं। फिर तो फिर वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। हेलो, नमस्ते, सामने प्रणाम है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और एक नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। तो फिर ये चलते हैं आपको और एक नए व्लॉग में। फिलहाल मेरे साथ है गोलू बुला और सचिन बुला, दोनों मेरे बुलाई हैं, छोटे हैं। छोटे मतलब ये तो बहुत छोटा है, लेकिन सचिन बराबर का है। अब 10-12 दिन का फर्क ही हुआ था, दीवानी। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं रुई सिटी में। रुई सिटी में मतलब यहाँ से ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बचपन हमें लगभग आधा बचपन तो इधर ही बिताया होगा। कभी गाय के साथ आते थे, कभी वो फूलदेही का जो लास्ट दिन होता था उस दिन आते, मतलब खाना बनाने, कभी पार्टी शार्टी करनी है तो इधर ही आ जाते थे। और आपको पता है कि गांव में पार्टी क्या होती है, सबने अपने गांव घर से थोड़ा थोड़ा चावल पकड़े, दाल पकड़ी और लगे रास्ते। और ऐसे ही होते हैं हमारी पार्टी वगैरह, ऐसा नहीं होता कि कोई होटल बुक कर लो, ये ऐसा मतलब नहीं है हमारा। बस अपना दिन निकल जाए और हंसी खुशी दिन निकल जाए, वही हमारे लिए पार्टी हो जाती है। तो सारे लोग अपनी गाय भैंस लेके आ जाते थे और फिर चावल चुमल ले आते रहते थे, और शाम को फिर वो पंचपतरी वगैरह पिट्ठू खेलते थे ना, वो खेला करते थे। तो फिलहाल हम भी पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में और अभी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की वगैरह। अभी तैयारी चल रही है, अभी लोग कम आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ही आए बस अभी। तू चाह ना ओ पी जाए, तू ना बाहर चाह, तू चाह पी, अपनी चाह पकड़ी हो उन्दो, तू ना बाहर तो चाहियो उन्दो, तो तू उन्हों यो। तू ना बाहर चाह। अगर आप दूर हैं, किसी दिक्कत के कारण भगवान के पास नहीं आ सकते हैं, तो आपका भाई इसी काम के लिए आपको दूर दूर तक दर्शन करवा सकते हैं। तो भगवान श्री भैरवनाथ जी चौरंगिया महादेव के दर्शन, साक्षात दर्शन कर लो आप भी। और इसको हम अपना सिरवाण के देवता मानते हैं, मतलब कि तकिया, जो तकिए के बगल पर सोने वाला देवता होता है ना, तो इष्ट देव इसी को कहते हैं। चौरंगिया मतलब चारों तरफ घूमने वाला, सबकी रक्षा करने वाला देवता है ये। हर किसी के दुखों को, जैसा भी हो, हर किसी के दुखों को हरता है।
कैमरे की नजर से ही दिखा सकता है और मतलब इधर से बिल्कुल अलग लगेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बिल्कुल गूज बम्प्स जैसे खड़े हो जाएंगे, आपको रियलिटी पता चलेगी कि मतलब ये भी पहली बार, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ इस चीज़ को। आज तक तो बस खाते थे, थोड़ा सा पूजा वगैरह देखते थे, खाना खाते थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीका है, नया तरीका। आज मैं आपको एक अपने छोटे भाई से मिलाने वाला हूँ, ना छोटे भाई ना चचा चचा चचा। आपको गांव में ना रिश्ते बहुत अजीब होते हैं, कोई छोटे बच्चे चचा दादा कुछ भी वो मतलब अब रिश्ते होते हैं तो करने पड़ते हैं उनको फॉलो। ये हमारे चचा हैं तो इससे ना बहुत अच्छी बातें होती थी हमारे स्कूल के, जब स्कूल जाता ना बहुत छोटे में तो अगर ये दौड़ता था तो नहीं याद सोचा सूरज कहाँ से निकलता जले में, तो बोले सूरज कहाँ से निकलता है, क्या बोली पूरा अजीब बोले कगवेनी को बोली। इसकी आवाज़ ना कमी आती है, ये शर्माता है थोड़ा सा। तो मैं इस स्कूल के रास्ते आता, इसका पेपर था, तो मैंने इसको पूछा कि इसमें क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज किस दिशा से निकलता है, तो हमारे जो तरफ है तो वो पूरब दिशा जो है वो तुंगनाथ की दिशा से है, तो ये इसने उसमें लिख दिया तुंगनाथ से सूरज निकलता है। तंचोलिया क्यों? और बोल भी दिया इसको, मतलब उतना आइडिया रहा नहीं, और तब से बढ़िया पहचानता मैं इसको, और मस्त मस्त रहता है हिमांशु होटल। नहीं सुधा भी नहीं मन सा ये रवि का चरिया तो कर देगी। जुगो जुगो तक फिलहाल टाइम 3:30 हो गया है और भूख बहुत तेज लग रही है बॉबी। बॉबी तो सवेर में जिगर रुक कतरे बात बोल। फिर मतलब बहुत सारे वो है ना, प्रोसेस बहुत लंबी है इसको, पूजा वगैरह है, फिर जगी होगी, फिर उसके बाद और देखो लौंडे सारे बैठे हुए हैं, कुछ फ़ोन पे चिड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातें सब लगे हुए शेयर करने पर। यही हमारे पहाड़ों में तो ऐसे ही मतलब टाइम पास किया जाता है, कहीं बैठ जाओ बस, उसके बाद अपनी बातें पुरानी बातें निकालते जाओ, तो उसके साथ टाइम व्यतीत हो जाता है अपना, बचपना सारा मतलब एक हफ्ते की जो थकान होती है एक ही दिन में निकल जाती है ऐसे करके। हम इनसे मिल लिया हमारे हिमांशु ने की। हेलो हिमांशु। हेलो हाय हिमांशु। यह भी सुनो ये मैं भाई हिमांशु को ना भाई मतलब जाकर धुमल तो आप क्या सो नाम बोला करो ना ऐसे मतलब जो कसम से अमिता इधर कंफ्यूजन में बोला नवीन यार को गया अरे कंफ्यूज यार मैं वो ना मेरा न्यू सो कांड दियो तब क्या बोले वीडियो बड़ा कुछ नहीं हो रहा सो लिया ये काम पे भाई भाई और सब ठीक ठाक बार हो जाए आप बोला सब आ जाना दिया तो मैं यार और हमारी जो भांजी शशि देवी जी को सरा भगवान जी को जो बागवानी चौदीनी भैरवनाथ जी की दीनी कई लोग क्या हजारों लोग सैकड़ों लोग थी कथान बजाना कति लोगों को गोल भी होगी के को जी के बाल बच्चा नहीं हुए तो बाल बच्चा जी ने भैरवनाथ जी जी के को छौ सीधा हटैली और के को दोष दाम पर दुख दर्द रे बोल तो सो दुख दर्द हटैल भैरवनाथ जी ये भैरव बाबा जय देव मेरा देवता ये ते का बाबा कुल्ला को देवता मेरा देवता
फिलहाल मैं मतलब ये जो पूजा थी उसके बारे में ज्यादा व्यक्तिगत नहीं कर पाया क्योंकि ज्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए, ज्यादा शाना नहीं बनना चाहिए इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैं मतलब नॉर्मली डेली व्लॉग की तरह कर ही रहा था इसको। तो अभी जो यहाँ पे आपका आपने अपना गाना सुना होगा रामेश्वरी भट्टी, बहुत हमारे गांव की बहुत फेमस लेडी है और मतलब उनके सॉन्ग पर सॉन्ग निकलते हैं। धीरे धीरे उनकी लिंक डालूंगा। अब उनके अलग अलग चैनल पर आते तो पता नहीं चलता उनके लिंक का, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादा पर्सनल है, उसके बारे में ज़्यादा हो जाती है गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, तो वही पूरी करने हो तो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, उसको छोड़ दो। लेकिन उन्होंने जो गाना सुनाया और उसके बाद जो यहाँ पे वो बुआ जी बैठी हुई थी, आज उन्होंने बताया मैं बुआ बोल रहा है वो उन पर अवतरित होती हैं यहाँ भैरवनाथ जी मंदिर जो देवता हैं, तो उन्होंने सारा कुछ बताया, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अपने डिटेल में नहीं गया। तो अब इसके बाद खाना खुना खाते हैं, प्रसाद तो खा लिया, खाना खाते हैं। क्या रे बुटर बोल दी बनो फिलहाल देर से सही मगर खाने की तैयारी हो गई है शुरू, और सारे लोग जहाँ जहाँ बैठे थे अपनी अपनी बातें खत्म करके आगे लाइनअप है। और पहाड़ों में तो यही होता है, मतलब उत्तराखंड में नॉर्मली लोग जमीन पे बैठ के ही खाते हैं और जंगलों में तो ये मजा अलग ही मजा है। सब लोग बैठ गए अपनी लाइन पे लग गए और फिर उसके बाद कुछ सीनियर लोग अपना मतलब जो गाँव के बड़े होते हैं वो खाना बांटते हैं और फिर बाद में उनको खिलाते हैं, यही प्रोसेस चलता है। तो फिलहाल खाना खा लिया और इतनी तेज भूख लगी थी कि कैमरा निकाल नहीं पाया वहाँ पे और हाथ भी झूठे हो गए थे। फिर निकलते हैं हम सब लोग यहाँ से घर के लिए। क्यों घर में इसका बापू जी देखेंगे ना बहन तब देखेंगे यार, फटेगा तो फटेगा, दिखना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी रहे हैं। इसको कट करने नरे देख दे रहे हर बहन सर कट कर जंगल तुम लोग हर बहन वाले ये पानी चाहिए ना। तो फिर आज का जंगल का मंगल अब यहीं पे खत्म करते हैं और फिलहाल इस ब्लॉग को ये भी समाप्त करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग सही लगा होगा और कुछ लोगों ने जो लोग उत्तराखंड से उन्होंने अपना बचपन मिस किया होगा क्योंकि उत्तराखंड में सब लोग मतलब दोस्त लोग तो फिर बिछड़ ही जाते हैं मतलब गांव से बहुत बहुत दूर, लेकिन जो अपने गांव के दोस्त होते हैं उनसे मुलाकात ऐसी होती है, लोग अपने काम में व्यस्त है तो फिर उनसे मुलाकात ऐसी होती है और ऐसी मुलाकात होती है कि मजा आ जाता है। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।